हेलो एवरीवन, हेलो वेज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं भंडारे वाली बहुत ही स्वादिष्ट खीर। तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहिए, कोई भी पार्ट मिस ना करें। यहाँ मैंने ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स में 1 किलो काजू और 1 किलो किशमिश। तो आज हम बना रहे हैं 50 किलो दूध की खीर। यह खीर हमने भंडारे के लिए ही तैयार की है। खीर बनाने के लिए हमने ले लिया है एक बड़ा सा पतीला जिसमें खीर इजीली बन जाए। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं 10 किलो दूध। फ्लेम हमने हाई रखी है। दूध को एक साथ सारा नहीं डालना है, थोड़ा सा दूध हम इसको डालेंगे, इसको चलाएंगे। जब दूध हल्का गर्म हो जाए फिर इसमें हम और दूध डालेंगे। 50 किलो दूध को हमें एक साथ ही गर्म होने के लिए नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते रहना है। फ्रेंड्स, हम घर में भंडारे के लिए खीर तैयार कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ में भी यह खीर की रेसिपी शेयर की जाए। तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए 50 किलो दूध पूरा ही डाल दिया है। अब इस दूध में एक उबाल आने तक हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसको हमें लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में हम इसको छोड़ भी सकते हैं। इस तरह से यह तली में लगेगा नहीं। 50 किलो दूध में हमने डाले हैं 5 किलो टुकड़ा चावल। चावल को हमने 3 घंटे पहले अच्छे से धोकर साफ पानी में भिगो कर रख दिया था। चावल अच्छे से फूल चुका है। अब हम सारे चावल इसमें डाल देंगे और खीर को चलाते रहेंगे जिससे कि चावल इसमें अच्छे से मिक्स होता रहे। तो लीजिए, सारे चावल हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको हम आधा रख देते हैं जिससे कि इसमें धूल मिट्टी ना जाए। इस स्टेज पर हमें फ्लेम को हाई रखनी है और दूध में फिर से उबाल आने तक हमें इसको चलाते रहना है। दूध में उबाल आने के बाद हमने चावल को दूध में 10 मिनट के लिए पका लिया था। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 किलो काजू। काजू को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और सारा काजू हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम फिर से चला देंगे, अच्छे से सारे काजू इसमें मिक्स कर लेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। और इस स्टेज पर हमने फ्लेम को लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हम चावल को पकने देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। तो लीजिए, चावल को पकते हुए आधा घंटा हो गया है। अब इसको हम चेक कर लेंगे। चावल को हमें ध्यान से चेक करना है क्योंकि चावल बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और ये देखिए, चावल एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको हम अच्छे से चला देंगे और आप देख सकते हैं खीर अभी से कितनी गाढ़ी होने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 बर्तन में 2 लीटर पानी और यह मैंने लिया है 1/2 किलो कस्टर्ड। सारा कस्टर्ड हम पानी में थोड़ा थोड़ा करके घोल लेंगे। एक साथ ज़्यादा कस्टर्ड नहीं घोलना है, नहीं तो उसमें लम्स पड़ सकते हैं। पहले थोड़ा सा कस्टर्ड लेंगे, उसको पानी में घोलेंगे, फिर थोड़ा सा लेंगे, फिर घोलेंगे। इस तरह से हमें सारा कस्टर्ड पानी में घोल के तैयार कर लेना है। और ये देखिए, 1/2 किलो कस्टर्ड हमने पानी में घोल के तैयार कर लिया है। यहाँ हम इस खीर में डाल रहे हैं 1/2 किलो गोला जिसको हमने कद्दूकस कर लिया था, और सारा गोला हम इसमें डाल देंगे। इससे खीर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हमें खीर को लगातार चलाते रहना है, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, अगर हम खीर को छोड़ते हैं तो वह तली में लग जाएगी। अब हम खीर में डालेंगे कस्टर्ड का घोल जो हमने तैयार करके रखा था। कस्टर्ड के घोल को नीचे से चलाते हुए ही डालेंगे क्योंकि कस्टर्ड नीचे तली में बैठ जाता है। और खीर को भी हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। कस्टर्ड पाउडर खीर को गाढ़ी करने के लिए डाला जाता है और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कस्टर्ड पाउडर को स्टार्टिंग में ऐड नहीं किया जाता, बाद में ही डाला जाता है। यहाँ पे हमने लिया है 1 किलो किशमिश जिसको हमने 1 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था और ये अच्छे से फूल कर तैयार हो गई है। यहाँ पर खीर में हम डाल रहे हैं चीनी। चीनी, किशमिश, सब चीज़ें साथ में ही हम ऐड कर देंगे और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। तो हमने किशमिश भी इसमें ऐड कर दी है। अगर आप किशमिश को भिगोना भूल गए हैं तो आप किशमिश को धोकर 10 मिनट पहले भी इसमें डाल सकते हैं, तो भी किशमिश फूल के तैयार हो जाएगी। चीनी हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालते जा रहे हैं। टोटल इस खीर को तैयार करने में हमने 7 किलो चीनी का यूज़ किया है और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने ले लिया है इलायची और चीनी का पाउडर। यहाँ मैंने ली थी 100 ग्राम हरी इलायची और 100 ग्राम चीनी। उसको हमने मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस लिया था, उसको छानकर इसका पाउडर तैयार कर लिया था। ये सारा पाउडर हमने इसमें डाल दिया है। खीर में इलायची का पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब हलवाई भंडारे की खीर तैयार करते हैं तो वह इसमें चीनी और इलायची के पाउडर को ही मिक्स करते हैं अच्छी खुशबू के लिए। इसमें हमने थोड़ी सी चीनी और डाल दी है। टोटल 7 किलो चीनी कंप्लीट हो गई है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, कस्टर्ड पाउडर डालने से खीर कितनी गाढ़ी बनके तैयार हुई है। भंडारे की बहुत ही स्वादिष्ट गर्मा गर्म खीर बनके तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।